हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को अपने पीवीसी कार्ड यानी प्लास्टिक कार्ड में कैसे ऑर्डर करें। तो आप भी अगर अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र को पीवीसी कार्ड में बदलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आ जाना है नेशनल NBSP यानी गूगल क्रोम पर आप टाइप करेंगे NBSP.in नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर। जैसे ही आप नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की वेबसाइट को ओपन करेंगे वहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है वोटर पोर्टल वीटा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो ओपन होगी। वहां पर देखिए दिया गया है लॉगिन आईडी यानी लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लेंगे अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है। अन्यथा नहीं है तो उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको आपको मोबाइल नंबर डालकर आपको सबमिट OTP करेंगे। OTP डालने के बाद में वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में देखिए आपको एक नई विंडो फिर से ओपन होगी और वहां पर आपको डालकर देखिए एक नया क्रिएट पासवर्ड डालने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, यानी आपको अपना पहले पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो आइए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको देखो पासवर्ड की जो लेंथ है वो भी आपको चेक करनी होगी। क्रिएट पासवर्ड डालेंगे, फिर आपको कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद में नीचे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वेलकम पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन आएगा देखिए, जहां पर आपको लिखा गया है करेक्शन वोटर आईडी, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना नाम डाल लेना है। सरनेम डालकर आपको डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यानी आप स्टेट डालेंगे। स्टेट डालने के बाद में नीचे एक ऑप्शन दिया गया मेल फीमेल या अदर, मेल पर क्लिक कर देंगे। अगर मेल हैं फीमेल हैं तो फीमेल पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में एक नई विंडो फिर से ओपन होगी। आपको देखिए वहाँ पर एक डिडक्ट होने के बाद में देखिए वहाँ पर लिखा है करेक्शन इन वोटर आईडी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने एक नई वीडियो बनाई थी, पहले ही वीडियो मैंने आपको दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है। करेक्शन इन वोटर आईडी है, डिलीशन अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। आधार लिंकेज पर मैंने एक वीडियो शेयर की है, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो इसमें हमें आपको वोटर आईडी पीवीसी कार्ड में अप्लाई करना है तो करेक्शन इन वोटर आईडी पर आ जाना है। करेक्शन जैसे ही आप करेक्शन पर करेंगे तो जैसे सोचो देखें दोस्तों, अगर आप सोचें कि करेक्शन वोटर आईडी कार्ड पर क्लिक करने पर करेक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। लेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दिया गया है ड्यू हैव ए वोटर आईडी कार्ड नंबर। अगर आपके पास कार्ड नंबर है तो फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे, सॉरी सेकेंड वाले को क्लिक करेंगे, नहीं है तो फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड है उसका नंबर फिल कर देंगे और फैच डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फैच डिटेल पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड नीचे दे दिया गया है कि आपकी डिटेल वेरीफाई हो गई है, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको डिटेल यहां पर वेरीफाई करनी है कि आपके जो एपिक कार्ड नंबर है, पहचान पत्र नंबर, वो सही है कि नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे डिटेल वेरीफाई करने के बाद में। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो फिर से ओपन होगी। जिस देखिए नई विंडो फिर से ओपन होने के बाद में एक आपको नया पॉपअप दिया गया, यानी आपको नई विंडो ओपन होने के बाद में यहां पर दिया गया चार ऑप्शन दिए गए। अगर आपने अपना रेजिडेंस यानी कि शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस आपने अपना पता चेंज किया है तो उसको पता चेंज कर सकते हैं। करेक्शन एंट्रीज, थर्ड इश्यूज ऑफ रिप्लेसमेंट विदाउट रिक्वेस्ट टू मेकिंग पर्सन डिसेबल, यानी अगर आप किसी कारणवश डिसेबिलिटी हैं या कुछ हैं तो वो क्लिक करेंगे। थर्ड वाले पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आपको फिर दोबारा से आपको एक रीवेरिफिकेशन होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करकर यानी मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में आपको OTP डालना। OTP डालने के बाद में देखिए आप OTP वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में दोबारा से रीवेरीफाई हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है तीन ऑप्शन दिए गए लॉस्ट, यानी अगर आपका वोटर आईडी कार्ड लॉस्ट हो गया है तो उस पर क्लिक करेंगे। डेस्टॉय यानी आपको क्लिक करना है डेस्टॉय पर। अगर लॉस्ट होने पर क्लिक करेंगे तो लॉस्ट होने पर आपको दोबारा से वेरीफाई करने के लिए मांगेगा, डिटेल्स मांगेंगे। नीचे दिया गया यस आई हैव ए नंबर, आधार नंबर क्लिक कर यानी आधार नंबर डालकर आप उस पर क्लिक कर देंगे और नीचे कोई भी रीज़न आप सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल वेरीफाई कराने के बाद मतलब कि नीचे आपको ऑप्शन दिए गए काफ़ी सारी, वो आप सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे। जैसे ही आप सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन चेक करने के बाद में देखिए एक नीचे ऑप्शन दिया गया है सबमिट, नीचे स्क्रॉल करते आइएगा, आप डिटेल चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर कुछ आपको चेंज करने के लिए दिया गया है या कुछ बदलना चाहते हैं तो आप उसको यस नो पर क्लिक कर दीजिएगा और नीचे सबमिट ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, यानी आप अपने पीवीसी कार्ड को अप्लाई सक्सेसफुली कर चुके हैं। उसके बाद में आपको एक SMS आएगा, नीचे आपको दिया गया है रेफरेंस आईडी नंबर, वो आईडी नंबर आप नोट कर लेंगे। आईडी नंबर नोट करने के बाद में अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रेफरेंस आईडी नंबर कैप्शन में डाल देंगे और ट्रैक योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे।
ट्रैक और स्टेटस पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपको एक नई विंडो फिर से ओपन होगी। उसमें दिया गया है कि आपका जो पीपीसी कार्ड है वो कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। देखिए सबमिटेड हो गया है, वीएलओ अपॉइंटेड होगा, वीएलओ वेरीफाई करेगी, फील्ड वेरीफाइड होगा। एक्सेप्टेड होने के बाद में आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपका कार्ड आपके पते पर पहुँच जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।